How to fix Opera Mini connection fail, unable to connect, please review your network. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को अपने Opera Mini पर सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आप भी इस प्रॉब्लम को या मैं फेस कर रहे कनेक्शन फेल अनेबल टू कनेक्ट का ये प्रॉब्लम, तो अभी आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ में बेसिकली आपको क्या प्रॉब्लम हो जाता है, आपके यहाँ में नेटवर्क का इश्यू हो जाता है, ठीक है। कभी कभी आपका यहाँ में नेटवर्क ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है या तो फिर आपका नेटवर्क कनेक्शन स्लो हो जाता है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आपके Opera Mini पर आ सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, अभी आपको क्या करना होगा, आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने नेटवर्क को या में सुधार करना होगा, आपके नेटवर्क कनेक्शन को या में बनाना है, ठीक है। तो अभी आप इसको बैक कर दीजिए। बैक करने के बाद आपको यहाँ में जाना होगा सेटिंग्स पर। अब अपने फ़ोन सेटिंग्स पर ओपन कीजिए। फ़ोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे में स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ में जाना होगा दोस्तों सिम कार्ड एंड मैनेज मोबाइल नेटवर्क्स पर, ठीक है। तो हम यहाँ में सबसे पहले नेटवर्क कनेक्शन को हम यहाँ में फिर से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जाइए सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स पर, और उसके बाद आपको जाना होगा अपने जो सिम है उसमें क्लिक कीजिएगा। उसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ में देख सकते हैं प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, ठीक है। तो आप यहाँ में जाइए। यहाँ में जाने के बाद आप यदि 4G यूज़ कर रहे हैं तो एक दफ़ा 3G में कनेक्ट कर दीजिएगा, और 3G में कनेक्ट होते ही आपको फिर से अपने 4G कनेक्शन जो है उसमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ऐसा कर देने से आपका जो है नेटवर्क कनेक्शन वापस आ जाएगा। और आप चाहे तो मोबाइल नेटवर्क्स में जाइए, और उसके बाद आप यहाँ में देख सकते हैं एक इनेबल बटन, उसको डिसेबल कीजिए और मैन्युअली यहाँ में आप अपने नेटवर्क को सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो उससे आपको एक बढ़िया नेटवर्क मिल जाएगा। और दोस्तों, आप चाहे तो फ्लाइट मोड भी कर सकते हैं, फ्लाइट मोड करने से भी आपका यहाँ में काम बन जाएगा, ठीक है। तो फ्लाइट मोड और यह अपना नेटवर्क जो है यहाँ में बना लिया है। और उसके बाद दोस्तों, अभी आपको क्या करना होगा, आपका नेटवर्क हो चुका है, अभी आप डाटा कनेक्शन को एक दफ़ा ऑफ़ कीजिए और ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए और ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो और ऑन ऑफ करने के बाद दोस्तों, आपका यहाँ में नेटवर्क कनेक्शन जो है वो वापस आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ में ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। वो वाला हो गया दोस्तों यहाँ में आपका नेटवर्क कनेक्शन, और ये वाला हो गया आपका डाटा कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ में आप दोनों को अलग अलग तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद आप जाइए फिर से Opera Mini पर और देख लीजिएगा आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं हुआ है। और दोस्तों, यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो ठीक है, और कभी कभी दोस्तों आपका प्रॉब्लम यहाँ में सॉल्व नहीं हो पाता है आपका नेटवर्क कनेक्शन होने के बावजूद, तो उस वक्त आपको यहाँ में क्या करना होगा दोस्तों, आपको बैक कर देना है। और बैक करने के बाद आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर, ठीक है। प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ में सर्च करना होगा Opera Mini। तो यहाँ में दोस्तों, आपको सबसे पहले इसका अपडेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों, आपका अपडेट नहीं होने की वजह से आपका यहाँ में Opera Mini पर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मिसबिहेव करने लगते हैं, और आपका नेटवर्क कनेक्शन जो है उससे कैच नहीं कर पाते। तो इस वजह से दोस्तों, आपको यहाँ में Opera Mini पर इस तरह का प्रॉब्लम आ सकते हैं, कनेक्शन लॉस या तो फिर आपका यहाँ में कुछ और दूसरा प्रॉब्लम आ सकते हैं अपडेट नहीं करेगा। तो यहाँ में दोस्तों, आपको सबसे पहले अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आप देख लीजिए आपका प्रॉब्लम यहाँ में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। और यदि आपका प्रॉब्लम यहाँ में सॉल्व नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना होगा, आपको बैक कर लेना है, और बैक करके यहाँ में वीडियो को पूरा देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ में आपको जाना होगा सेटिंग्स पर फिर से। तो सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स पे जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और आपको यहाँ में मिलेगा मैनेज ऐप्स, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ में मैनेज ऐप्स का जगह पर आपके फ़ोन पर एप्लीकेशन मैनेजर या तो फिर इंस्टॉल ऐप करके मिल सकते हैं, वो आपके फ़ोन पर डिपेंड करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, यहाँ में आ जाने के बाद आपको सर्च करना है Opera Mini। तो आप यहाँ में देख सकते हैं Opera Mini जो है आ चुका है। अभी हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ में जाना है फोर्थ स्टॉप पर। तो फोर्थ स्टॉप पर क्लिक कीजिए। फोर्थ स्टॉप पर क्लिक करने के बाद ओके कीजिए, और उसके बाद जाइए क्लियर ऑल डाटा पर, और इसके बाद इसका डाटा भी जो है यहाँ में क्लियर कर दीजिएगा। और डाटा और फोर्थ स्टॉप यहाँ में क्लियर हो जाने के बाद आपको जाना होगा ऐप परमिशन पर, ठीक है। ऐप परमिशन को यहाँ में ओपन कीजिए, और यहाँ में आप देख लीजिएगा आपको जितने भी परमिशन दिया है वो इनेबल है या नहीं है। आप अगर यदि आपका यहाँ में परमिशन इनेबल, यदि आपका यहाँ में परमिशन जो है डिसेबल रहेगा तो आपको यहाँ में फिर से प्रॉब्लम्स आ सकते, ठीक है। तो यहाँ में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले तो इसको यहाँ में सब इनेबल कर देना है। इसको इनेबल बैक टू बैक सबको यहाँ में इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद आप अपने फ़ोन को एक दफ़ा रिस्टार्ट कीजिएगा। फ़ोन रिस्टार्ट करते ही आप देख लीजिएगा आपका यहाँ में प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। और यदि आपका प्रॉब्लम यहाँ में भी सॉल्व नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना होगा, आपको फिर से बैक कर देना है, और बैक करने के बाद आप अपने Opera Mini को जो है अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, ठीक है। अनइंस्टॉल करके फिर से रीइंस्टॉल कीजिए एक नया फ्रेश ऐप, और यहाँ में अपडेटेड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद फिर से
आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ आप देख लीजिएगा ओपेरा मिनी पर। और दोस्तों यदि बाई चांस भी यहाँ में इंस्टॉल करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो अभी आपको क्या करना होगा, आप अपने सेटिंग्स पर जाइए, ठीक है। सो सेटिंग्स पर आपको यहाँ में मिलेगा अबाउट फ़ोन, तो आप यदि आपके फ़ोन यहाँ में अबाउट फ़ोन मिलेगा तो दोस्तों आपके फ़ोन पे ये नीचे में भी हो सकता है, तो मेरे फ़ोन पे ये ऊपर में सबसे पहले पर है, ठीक है। तो अभी हम इसको ओपन करते, ओपन करने के बाद आपको यहाँ में चेक करना है इसका सिस्टम अपडेट। तो यहाँ में दोस्तों आपका फ़ोन जो है अपडेट नहीं होने की वजह से यहाँ में ठीक से आपका नेट कनेक्शन जो है उसे प्रोवाइड नहीं कर पाते, इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों अपडेट नहीं होने की वजह से आपको और कोई दूसरा प्रॉब्लम भी आ सकता है आपके ओपेरा मिनी पर, तो आप सबसे पहले तो इसको भी अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। आप अपने फ़ोन का वर्जन जो है उसे भी अपडेट कीजिए, अपडेट करने के बाद फ़ोन को एक दफ़ा फिर से रिस्टार्ट कीजिएगा और देख लीजिएगा आपका प्रॉब्लम यहाँ में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ में आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा अपडेट करने के बाद, और आपको यहाँ में नए फीचर्स भी ऐड कर दिए जाएंगे और आपको यहाँ में बहुत सारा फ़ायदा हो जाते हैं जब आप अपने फ़ोन को अपडेट करते, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप इस कनेक्शन लॉस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो ओपेरा मिनी पर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।